नमस्कार, मैं हूं प्रार्थना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आजमगढ़ कभी शिक्षा और साहित्य के लिए जाना जाता था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसे आतंक का गढ़ बना दिया है। क्या कुछ हुआ वहां, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा और साहित्य से कभी आजमगढ़ का नाम जाना जाता था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे आतंक का गढ़ बना दिया है। योगी ने कहा कि सपा बसपा अपराध के साथ अपना DNA जोड़ते हैं, इसलिए बाटला हाउस जैसे कांड का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि जब आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था तो उस वक्त वहां की जनता मेरे साथ खड़ी थी, इसलिए आजमगढ़ को विकास से जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। आजमगढ़ को राजधानी लखनऊ से जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि यहाँ भी कारोबार का माहौल बन सके। आजमगढ़ में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने विश्वविद्यालय बनाने की बात कही है। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी एक्टर और बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ के पक्ष में प्रचार प्रसार किया और साथ ही रैली भी की। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विपक्ष में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी दोबारा से आजमगढ़ में अपना किला फतह कर पाती है या नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव उत्तर प्रदेश लखनऊ।